Today we will discuss about the topic that is the structure of the atom. हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं, एक मैटर के. किसके हैं? एक मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स. मैटर किससे बना होता है? एटम्स और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के साथ बना होता है. एंड एक क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये जो एटम्स हैं वन एलिमेंट के, वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए या वो फिर सेम भी हो सकते हैं? आर एटम्स रियली इनविजिबल एज प्रपोज्ड बाय द डाल्टन्स? हमने एक डाल्टन्स की थ्योरी भी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर है उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. एक मेजर चैलेंज जो था साइंटिस्ट के सामने आया 19th century में, तो उसमें ये था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिससे मैटर बना हुआ है उस एटम का स्ट्रक्चर है क्या. तो फ्रॉम दैट हमने जब नेचर से एग्जांपल्स देखी तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, मैटर में कुछ चार्ज्ड पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन कॉम्ब, आप कॉम्ब को ड्राई हेयर में 2-3 बार रब करते हो तो आप देख रहे हो कि आपकी कॉम्ब के साथ हेयर्स जो हैं आफ्टर सम टाइम्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, अटैच्ड. एंड वन मोर एग्जांपल, सिल्क के क्लॉथ या फिर ग्लॉस रॉड है उसको आप रब करते हो तो क्या होता है, शो सम एक्टिविटीज. तो वो क्या है कि जो ये सिल्क और ग्लास रॉड या फिर जो ड्राई हेयर या फिर कॉम्ब है उसमें कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन से पार्टिकल्स हैं? एटम्स. इट मींस वो क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. तो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स जो हैं चार्ज्ड पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. These are also known as micro particles. Micro means very small, जो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी naked eye की help से नहीं देख सकते. These are known as a charged particles. इनको हम charged क्यों बोलते हैं? Because इस पे क्या exist करते हैं? Charge exist करते हैं. There is a existence of negative charge on the electrons. There is a existence of positive charge on the protons. And neutron, this is a neutron, okay. Next, different models जो थे, just like कि Thomson model आ गया, Rutherford model आ गया, then क्या model आ गया हमारे पास, एक Bohr model आ गया, जिससे हमें पता चला कि there is a existence of different charged particles in the matter, that is electron, proton and neutron. That we will discuss later on. Firstly, you should know about the elements, different elements. You can check here, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, with their symbols, just like that we have studied in the periodic table. Hydrogen symbol is H, helium HE. Lithium Li, beryllium Be, boron B. And for example, hydrogen. This is known as a element. How many electron, neutron and proton exist in this? That we will study in this chapter. कि इसमें कितने electrons हैं, कितने protons हैं and कितने neutrons exist करते हैं. वो हमने कैसे स्टडी करना है? फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एज वेल एज देयर एटॉमिक नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, नेक्स्ट यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट दीज एलिमेंट्स. आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल. किसके अकॉर्डिंगली है ये? बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली. बोहर गिव्स अस वन फॉर्मूला, दैट इज 2n²
फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स, कि डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में फॉर एग्जाम्पल के एल एम एंड एन, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर. के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2. एल में 8 एंड एम कैन कंटेन अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 फर्दर. ओके, दिस इज नोन एज मैजिक नंबर. इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैजिक नंबर्स भी बोल सकते हैं. ओके, एंड यू कैन चेक हियर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. देर इज अ वन फॉर्मूला टू रिप्रेजेंटेशन दीज एलिमेंट्स. हम इन एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड न्यू. एटॉमिक नंबर इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 and 10. These are first 10 elements with their atomic number 1 to 10 that is represented with the help of, that is represented with the help of Z. इसको हम किसकी help से represent करते हैं, Z की help से represent करते हैं. किसकी help से represent करते हैं, Z की help से represent करते हैं, that is Z. And A is the mass number. Mass number is approximately double of atomic number. Not exactly, ये exactly नहीं होता, approximately double होता of atomic number. That is approximately equal to the atomic number. You can check what is the atomic number of hydrogen. That is 1. Why 1? Because there can be a value 1.9 something, 1.5, 1.4. So we can write here 1. That is approximately double. For helium, that is 4. For lithium, 9. Boron, for lithium, 6. And for beryllium, 9. For boron, 10. Carbon, 12. Nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, and for neon 20. Next is, there is a one formula for the representation of these elements. How can we represent these elements with the help of X? X can be any element. X koi bhi element ho sakta hai. A and Z. Z is the atomic number, A is the mass number. Take one example, nitrogen. How can we write nitrogen? N, mass number is 14, atomic number is 7. Okay, one more example, oxygen. Atomic number is 8, mass number is 16. This is a way to write these elements. Isko hum represent aise kar sakte. Just like this, mass number at top and atomic number at bottom. Okay. Next is electronic configuration of these different elements. Electronic configuration of different elements. 1. How many electrons are there? 2. 2. K can contain a maximum 2 electrons. Next is 2, 1. For the lithium, K, L, 2 electrons in the K shell and 1 in the L. For beryllium, K, L, 2 in the K, 2 in the L. For boron, K, L, 2, 3. जब तक हमारे पास L में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम नहीं आ सकते, देन हमने क्या करना है, इसको फिल करते जाना. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कार्बन K,
एल टू फोर, नाइट्रोजन टू फाइव, ऑक्सीजन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, के एल टू इन के शेल एंड 6 इन एल शेल. ओके, फॉर फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, एटॉमिक नंबर इज 9, इलेक्ट्रॉन्स आर 9, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन द के, 2, एंड रिमेनिंग इन द एल दैट इज 7, 7 प्लस 2 इज 9. फॉर नियोन के एल 2, 8. You can check here, both shells are filled in the case of a neon. Neon ke case mein dono hi shells jo hai wo kya ho gaye hain, fill ho gaye. As well as you can check here in the case of a helium. This is just about the first 10 elements of the modern periodic table. Further on, jaise argon hai to 18 hai to uspe bhi fill ho sakte hain. Okay, helium maximum electrons are 2. In which elements, in which shells are completely filled, जिसमें shells जो हैं वो completely fill हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Noble gases. उसको हम क्या बोलते हैं? Noble gases. जो react नहीं करती, because इसमें जितने electrons इसको चाहिए वो उसमें है, ना तो वो gain करेगा ना वो lose कर सकता है. So these are inert gases as well as a noble gases. Okay. This is all about the atomic number, mass number and its electronic configuration. Iski electronic configuration ke bare mein. Okay. Now, what about the number of protons and number of neutrons, number of electrons that we have studied? Ki K mein kitne electrons hain? L में कितने हैं, M में कितने, ठीक है. Now about electrons, protons and neutrons. Neutrons के बारे में study करते हैं कि कैसे उनको हम calculate कर सकते हैं. Proton is always equal to atomic number. Proton किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है. बट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इक्वल टू अ एटॉमिक नंबर, बट इन द केस ऑफ अ न्यूट्रल एलिमेंट्स, न्यूट्रल एलिमेंट्स जिसपे चार्ज नहीं होता, जिसपे चार्ज नहीं प्रेजेंट, देयर इज नो एनी पॉजिटिव or negative charge present on element, then its atomic number can be equal to a electron. Okay, if element contain a positive or negative charge, then number of electrons can be changed, then number of electrons jo hai wo change ho jayenge. Wo kis pe depend karega? Positive or negative charge pe, कि वो कितना है. इफ देर इज अ 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इट मींस वो 3 पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. इफ देर इज अ 2 पॉजिटिव चार्ज, इट मींस वो क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. ओके, व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन? देर इज अ 1 फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. वी नो द एटॉमिक नंबर, इफ वी नो द एटॉमिक नंबर देन वी कैन कैलकुलेट द मास easily, that is approximately double to the atomic number. Then from, if you know 2 values, third value can easily be calculated. Take one example, boron. What is the proton? Atomic number is 5. It means number of proton is also a 5. Number of proton is also 5. Is there any charge on the boron? No, there is a no any charge on the boron, no positive or no negative charge present on the boron. So it means number of electrons is also a 5. Okay, next is, what about the neutron? This is your formula. Put the values of mass,
What is the mass number of boron is 10. Atomic number is 5. Neutron 10 minus 5 is equal to 5. We can calculate neutron. If there is a charge present on any element, agar kisi element pe koi positive or negative charge present hai. For example, magnesium 2 positive. Firstly, calculate for magnesium, then for a magnesium 2 positive. Atomic number is 12. Number of proton is equal to our atomic number, that is also 12. What about electrons? There is a no charge on the magnesium. There is a no any positive or negative charge on the magnesium. It means number of electrons is also 12. What about the neutron? A is equal to Z plus N. Put the value of A. Double of atomic number. Atomic number is 12. हमारे पास atomic number क्या है? 12. तो उसका double क्या हो जाएगा? 24. 12 plus n. N is also a 12. यहाँ पे एक question और भी आ सकता है कि कोई element बताओ जिसके proton, electrons and neutrons जो हैं वो same होते हैं. तो that is a magnesium. Because 12 proton, 12 electron and 12 is neutron. Then if there is a 2 positive charge present on the magnesium. Why there is a 2 positive charge on the magnesium? 2 positive magnesium? Because magnesium ka atomic number is kya hota hai? 12 hota hai. To iski electronic configuration hoti hai 2, 8, 2. So it means jo bahar wale outermost shell mein 2 electrons hai, usko hum easily remove kar sakte hai. Easily remove ho gaye, to uspe kya a gaya? 2 positive charge aa gaya. It means humne 2 electrons ko kya kar diya hai? Lose kar diya hai. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाएंगे? 2 माइनस कर दो जितना उस पे चार्ज लिखा है, दैट इज इक्वल टू 10. इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 8. इफ देयर इज अ 2 negative charge present on the O oxygen, number of electrons become 10. Okay. Next is, next topic is isotope and isobar. What is the meaning of isotope and isobar? From the word you can check. There is a formula for the representation of element X, A, Z. ये हमारे पास एक formula था जिससे हम element को represent करते थे. तो top पे क्या है? Isotop. Top पे क्या है? Mass. जिसमें mass different हो और atomic number same. For example, hydrogen, deuterium, tritium. Isobar, जिसमें क्या है? Bar, नीचे क्या है? Atomic number, जिसमें mass same हो, but bar, नीचे क्या है? Atomic number, तो that is different. For example, argon, calcium, atomic number is 18, calcium, atomic number is 20, and mass number is 40, and for the calcium mass number is 40. This is known as isobar. This is an example of a isotope. Another example, chlorine. Chlorine 17 17, mass can be different, 35 and 37. This is all about the atomic number, mass number, their electronic configuration, how to calculate their electrons, proton and neutrons, and isotope and isobar, how to represent the isotope and isobar, and different elements with their different symbols, and further on the topics, the discovery of electron, discovery of a proton and discovery of a neutron.
we will discuss later on, and thank you.